तो दोस्तों वीवो वी 17 प्रो लॉन्च होने वाला है 20 सितंबर को इंडिया के अंदर। और दोस्तों उससे पहले स्मार्टफोन का फुल स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, और उसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट और स्नैपड्रैगन के 675 का प्रोसेसर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में, और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन, और किस प्राइस में स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन से। तो दोस्तों वीवो वी 17 प्रो में आपको देखने को मिलने वाला बहुत ही बेहतरीन डिजाइन, जो कि आने वाला ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ में, और साथ ही में स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला ग्लास बैक का सपोर्ट, जो कि आने वाला कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ, और उसके साथ ही बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट। और वहीं बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 6.59 इंच का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला एक फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, और साथ ही में स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों वहीं फुल व्यू डिस्प्ले होने की वजह से स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि प्राइमरी 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ आने वाला है, और उसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों वीवो वी 17 प्रो में आपको देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 675 का प्रोसेसर, जैसा कि वीवो के वी 15 प्रो में हमें देखने को मिला था। और उसके साथ ही यहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन जीपीयू भी देखने को मिलने वाला, जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी बेहतरीन रखने वाला है। और वहीं बात करें स्मार्टफोन की रियर साइड की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 4100 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और दोस्तों हो सकता है कि स्मार्टफोन में आपको 45 वाट के एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाए। और वहीं बात करें स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट, जो कि आने वाला है वीवो के फ्रंट टच ओएस 9 के साथ। दोस्तों फाइनली बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको दो रैम वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग आपको 25,000 to 27,000 रुपीज के करीबन देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिल सकता है 13,000 रुपीज के अराउंड। और बात करें फाइनली स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को इंडिया में 20 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कंफर्म लीक्स और रूमर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले ऐसे ही वीडियो में, तो क्लिक कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।